केजरीवाल जी का एक भाषण था, घर घर दारू पानी की व्यवस्था हो जाएगी, दवाई दारू की। इस चीज को आप भी जानते होगे। ये पूरा इसलिए है क्योंकि भाई हमारे जो गरीब भाई हैं जो 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें वो चीज़ 50 की मिल रही है और खुश है। बिल्कुल सही नहीं हुआ क्या अरविंद केजरीवाल के साथ? सही क्यों नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, देखो जैसा किया जैसा करा वैसा भरा। देखो आपको भी पता है कोई भी चीज़ फ्री की खाएगा उसे एक ना एक दिन तो हर जाना भुगतना पड़ेगा। मैं हूँ या कोई भी है, अदरवाइज ये तो महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं। मैं जा रहा हूँ केजरीवाल जी से फ्री। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं N27 न्यूज। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर जो इंडिया गठबंधन है उन्हें जेल से रिहा करने की बाइज्जत रिहा करने की मांग कर रहा है और इसे लोकतंत्र पर खतरा भी बता रहा है। आज जनता से जुड़ेंगे, जनता से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। करते हैं लोगों से बात, आइए मेरे साथ। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, अरविंद केजरीवाल जेल में है शराब नीति घोटाले को लेकर, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को फंसाया तो नहीं जा रहा है? नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा सर। तो अरविंद केजरीवाल ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, मेरे को अच्छे नहीं लगते। इतने खफा क्यों हैं उनसे? वो तो आम आदमी है आपकी तरह, वो तो खुद को आम आदमी नहीं सर, घोटाला हुआ है ये हुआ है। हाँ जी। आप इतना उससे क्यों कह रहे हैं, इस बात को इतना ज़्यादा दावा क्यों कर रहे हैं आप? ये आपको क्यों लगता है घोटाला? एक के साथ जो कराए ना वो गलत कराए सर। एक के साथ एक फ्री आपने लिया था, आपने पिया था क्या? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, पर मेरे डैडी पीते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पिए। क्या चीज़ भाई? तो क्या लगता है वाकई जो शराब को लेकर घोटाला है वो दिल्ली में हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? ठीक है। अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं, सहमत हैं आप? बिल्कुल सही नहीं हुआ क्या अरविंद केजरीवाल के साथ? सही क्यों नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, देखो जैसा किया जैसा करा वैसा भरा। देखो आपको भी पता है कोई भी चीज़ फ्री की खाएगा उसे एक ना एक दिन तो हर जाना भुगतना पड़ेगा। मैं हूँ या कोई भी है, अदरवाइज आप भी जानते हो इस चीज़ को। अरविंद केजरीवाल तो फ्री का बांट रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। मैं भी बिजनेस करता के लिए DTC में किराया, मैं भी रोजगार करता हूँ। अगर मैं एक दिन दे दूँगा, 2 दिन दे दूँगा, 10 दिन बाद मेरे पास कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही तो कान यूँ पकड़ो या यूँ पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाएगा ना। यानी आपका कहना है अंत में तो पब्लिक ही भरती है? भरना पब्लिक को ही हैगा, भरना पब्लिक को ही हैगा। और ये पब्लिक जिस दिन जान जाएगी ना, जागरूक हो जाएगी, फ्री का खाना बंद कर देगी। कोई भी इस चीज़ को तो जानती है पब्लिक, लेकिन अनजान हो रही है कि फ्री का कहाँ तक खिलाया। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी। साफ तौर से आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखो जो भी है, जो उन्होंने जैसा कराया उन्हें भरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आप खुश हैं भैया जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है? नहीं भैया। क्यों खुश नहीं है? उन्होंने ये करा जो गलत था, पर उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ अच्छा करा। क्या आप कुछ अच्छा किया बता दीजिए? आपको महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करी, और लाइट के लिए लाइट फ्री करी, 0 यूनिट या कुछ बिल नहीं आता, और भी कुछ चीज़ें ठीक करी हैं उन्होंने दिल्ली में, पर ये करा ये गलत है। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या इसको विपक्ष के नेता बता रहे हैं। आज विपक्षी दलों की रैली भी हुई है रामलीला मैदान में, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आएंगे भाई, आएंगे। आपको अच्छे लगते हैं केजरीवाल भाई? बिल्कुल, एक नंबर इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है। आपके लिए क्या अच्छा किया भाई? देखो हमारे लिए ये अच्छा किया है कि हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा करी है उन्होंने। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे रोड अच्छे बनवा दिए, पुलिस वाले हमें, ट्रैफिक वाले पहले बहुत परेशान करते। आप शराब पीते हैं? जी शराब में पीता नहीं हूँ। अभी तो लग रहा है कि जैसे पी रहा, अभी तो लग रहा है जैसे शराब पिए हुए हो। नहीं पीता नहीं हूँ। लग रहा है? नहीं लग रहा है। केजरीवाल का सपोर्ट रहे ना, इसलिए कह रहे हैं भाई हमारे। लग रहा है नहीं लग रहा है? शराब हमारे केजरीवाल का सपोर्ट रहे हैं। शराब तो पी हुई है ना? नहीं, ब्रांड की पीते हो? मैं पीता नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है जो मेरे भाई लोग पीते हैं, उन्होंने अगर उनके लिए अगर उन्होंने सेवा करी है तो उनके लिए गलत नहीं करा है। अगर उनके लिए तो दारू की सेवा ठीक है, ठीक मेरे हिसाब से सही है जो पीते हैं, जो नशा करते हैं ना इनकी तरह, उनके लिए तो ये बेहद अच्छा किया है केजरीवाल जी। के लिए बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा है। मगर भाई मैं पीता नहीं हूँ। आप पीता नहीं है पर दारू के पक्ष में पूरा है। पूरा इसलिए है क्योंकि भाई हमारे जो गरीब भाई हैं जो 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें वो चीज़ 50 की मिल रही है और खुश है। अच्छा, ऑटो वालों के दिलों में क्या है केजरीवाल को लेकर? आपके दिल में क्या है उनके साथ? ठीक हो रहा है जो हो रहा है। क्या कह रहे हो भैया? केजरीवाल जी का एक भाषण था, घर घर दारू पानी की व्यवस्था हो जाएगी, दवाई दारू की। इस चीज़ को आप भी जानते होगे, ये गलती से निकल गया था उनके मुंह से। निकल तो गया, लेकिन राजनीति में ये चीज़ शोभा नहीं देती है, नुकसानदायक ही होती है। और वो व्यवस्था बन गई, घर घर बना दी, दारू की बना दी। गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा है। हाँ, झाड़ू लगती नहीं। हम मुझे तो 10 साल हो गई लगाते। खुश नहीं है आप केजरीवाल? खुश नहीं है। नए बच्चों की जिंदगी बेकार कर रहे हैं, सब चीज़ फ्री करके। इन बच्चों को काम मिलना चाहिए। अगर इन्हें सब चीज़ फ्री मिल जाएगी, ये काम करने के लिए क्यों जाएंगे? अच्छा, तो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं अरविंद केजरीवाल, तो सच में रेवड़ियां बांटते हैं। हाँ, ये रेवड़ियां ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जिनको फ्री में बिजली नहीं चाहिए वो अपने बिल भर सकता है। अरे ये भी कोई बात है, उस बिल कम कर सकते हैं, कुछ कम कर लो। ये थोड़ी कि बिल्कुल फ्री दे दो। सबको एक समान करना चाहिए ना, सुविधा मिले तो सबको ही मिले। अच्छा, आप कितने खुश हैं भाई साहब केजरीवाल जी से? बहुत खुश है। 2 घंटे से लाइन लगा रखी है ऑटो में, सवारी मिली ना रही है। 2 घंटे से कोई सवारी नहीं मिल रही है। सवारी ना, सारी लेडीज बस में भाग रही हैं। देखिए, इनकी अजब समस्या है, और वो समस्या ये है कि भाई साहब ऑटो चलाते हैं और इनकी ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठती, क्योंकि सवारी तो फ्री में बसों में बैठ के चली जाती है महिलाएं। सारे बसों में जा रही हैं, कैमरे फ्री में जाएंगे हम तो। पर फ्री नहीं होनी चाहिए थी क्या बस? ये तो महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं। ऑटो वाले जहर खा ले में। हाँ, ऑटो वाले जहर खा ले में मर जाए। ये तो पता लग रहा है, जब सवारी ना बैठेंगे कमाएंगे। इतनी सारी ऑटो दिखाई है पीछे, ये तमाम ऑटोज खड़ी हैं। तो केजरीवाल के साथ जो हुआ ठीक हुआ क्या? नहीं, ठीक ना, हमने ये नहीं कह ठीक हुआ या गलत हुआ। वो तो जैसा करोगे ऐसा भरोगे, कोई भी सही उसमें। हाँ, तो उनकी करनी का उन्हें फल मिला है। आपको ये कहना है? नहीं, हम नहीं कह सकते इस मामले में हम नहीं कह सकते कुछ भी, ना हमें इसकी बात की नॉलेज। खुश है अरविंद केजरीवाल? भाई साहब जेल में इस वक्त गए हैं, अरे क्या लगता है आप? ये बताओ, बसें फ्री करने की क्या जरूरत है? फ्री का क्या हिसाब किताब है? फ्री किसी को मिलना चाहिए? वो तो कहते हैं हम तो गरीबों के लिए सेवा दे रहे हैं। कौन गरीब है? लेडीज फ्री मालदार है, ये फ्री चल के। उनका कहना है कि जिनको टिकट देनी हो वो टिकट दे सकते हैं, जिनको बिजली का बिल भरना हो। मिल रहा है तो कौन टिकट लेगा? अगर फ्री मिल रहा है, अगर आज यहाँ खाना फ्री बटेगा, अगर मैं पैसे क्यों दूंगा इनको? चाहे मेरे पास कितना भी पैसा है, जब फ्री मिल रहा है तो मैं क्यों दूंगा? अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में गए हैं, क्या सही हुआ? यार, वो चाहे कुछ भी हुआ सही, वो उनकी राजनीति अलग चीज़ है। मगर एक बात, फ्री का क्या मतलब है? आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको तनख्वाह ना मिले, फ्री में करवाएं, कर लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर ये हमारे साथ फ्री का क्या मतलब है? कुबेर जी हैं, कुबेर भंडार है उनके पास, केजरीवाल जी के पास। कुबेर भंडार है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से। फ्री क्या फ्री? अरे टिकट लगो ना, लेडीज का 5 रुपये कर दो, बिल्कुल फ्री मत करो, 5 कर दो। भैया कैसे हैं अंकल जी? अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो अब तो जेल में तो ये गलत है ना, गलत हुआ है जी, बहुत गलत हुआ। नेगा नहीं, वो तो सज्जन आदमी है भाई, देश के लिए। और दिल्ली में हम लोगों उनके वजह से आप समझ लो हर चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, वो तो अब क्या कर रहा है? शराब घोटाला हुआ है तो अरे शराब घोटाला लगाया जा रहा है, हमने हुआ नहीं है, नहीं हुआ। वो तो बहुत साफ सुथरा आदमी है भाई, पढ़ा लिखा आदमी है, गलती नहीं। आपका कहना है कि चांद में दाग है, केजरीवाल में दाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। पढ़ा लिखा आदमी है, गलती नहीं कर सकता। रावण की तो रही नहीं भाई साहब, रावण है मोदी जी को रावण कह रहे हो जी। तो राम कौन है भाई? अरे देखो, यहाँ रैली हो रही है, तो वो भाग गया दिल्ली छोड़ के। दिल्ली में होना चाहिए ना, मैं बाहर क्यों गया भाई? मेरठ में है। हाँ तो मेरठ क्यों गए? हाँ दिल्ली में रहना चाहिए। उनका तो पूरा देश है ना, उनका तो पूरा देश है भाई। एक बार देश है तो उनको आज ये पता है महा रैली हो रही, सबकी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हो रहे हैं, तो उनका विचार सुनना चाहिए। उनको भाग के अपने पहुँच गए वहाँ सुनना चाहिए कि हमारे खिलाफ क्या क्या विरोध कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे लोग बात। तो आप लगता है काफी नाराज हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, काफी दिल में दर्द है। दिल में दर्द है, दर्द इसलिए है कि महान आदमी को जो भेज दिया जेल, भेजा क्या है बेटा? आपको ये बताइए आप कि आपको डर था कि दिल्ली में बहला देगा मैं ये बाबा। क्या पूजा उजा भी करते हो महान आदमी के घर में? आरती उतारते हो केजरीवाल? पूजा नहीं, उसे दिल से चाहता हूँ मैं। पूजा करने वाली बात अलग हो गई और दिल से। आपने ऐसे बोला सज्जन आदमी है, जैसे मुझे लगा कि बहुत बड़े बाबा है वो, तो आप उनकी पूजा करते हो। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर गरीबों को बहुत सुविधा दी है, हम तो गरीब आदमी हैं। चलिए खुश हैं बाबा, बाबा के दिल में दर्द है। केजरीवाल जी आपके लिए दर्द है भैया? केजरीवाल जेल में गए हैं, क्या लगता है ठीक हुआ? भैया तो शर्माए हुए हैं, भैया तो बोलेंगे नहीं। इन्होंने तो बता दिया इनके दिल में बड़ा दर्द है। आपके मन में, आपके मन में क्या है? दर्द इस बात का है कि ऑटो में जो सवारी नहीं बैठ रही है, बसों में फ्री चल रही है, उस चीज का दर्द है। केजरीवाल का कोई दर्द नहीं, केजरीवाल का बहुत दर्द है। फ्री तो होना ही नहीं चाहिए ना कुछ भी। तो देखिए हम जनता से बातचीत कर रहे थे, जनता से जुड़ रहे थे, अलग अलग लोगों की राय मैंने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो में। कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल के साथ जो हुआ वो जैसी करनी वैसी भरनी जैसा था, पर वहीं कुछ लोग जो समर्थन है वो समर्थक में है, समर्थन पूर्ण रूप से देते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के नेता है। हालांकि देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे ईडी क्या बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घरों पर अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें N27 न्यूज में हिमांशु मुग्गल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।